हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 47 से लेकर 46 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृत्युमेकदेव गोविंद दामो धरमाधवेति जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की तीसरा स्कंद अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी के मुखों से विभिन्न प्रकार के वेदों का प्रकटन हुआ और विभिन्न प्रकार के वर्ण आश्रमों का प्रकटीकरण हुआ, और उसके अतिरिक्त तो यज्ञकर्ता होम इत्यादि विशेष विशेष वस्तुओं का प्रकटन हुआ, और जो चार वर्ण हैं उनका, और उसके उपरांत चार प्रकार के सन्यासियों का, चार प्रकार के गृहस्थियों का, प्रत्येक वस्तु का ब्रह्मा जी के ही शरीर से उद्घाटन होता जा रहा है। और उसके बाद हमने कल पढ़ा कि किस तरह से ब्रह्मा जी के ही शरीर से श्लोक लिखने की कला, और दूसरा औषधि विज्ञान और तर्क शास्त्र, जीवन के जो वैदिक लक्ष्य हैं, कानून व्यवस्था संचार संहिता भू भाव स्वह नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। और आज हम श्लोक नंबर 47 से पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी ने अन्य वस्तुओं की सृष्टि किस प्रकार की। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, स्पर्शस्तस्या भवज्जीवः
स्वर सव स्वरो देह उदाहृत उष्माण उष्माण इंद्रियाण्याहु अंतःस्थाबलात्मनः स्वरासक्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापति स्पर्शस्त स्पर्श का मतलब होता है क से म तक के अक्षरों का समूह, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं क से लेकर म तक, क क ग घ म, ये पूरा जो स्पर्श कहलाता है। तस्य मनम उसका भवत हुआ, जीव स्वर देहिना, जीव मतलब आत्मा, स्वर मतलब स्वर, देही देह का मतलब होता है उनका शरीर, उदाहृत अर्थात व्यक्त किए जाते हैं, उष्माणम इंद्रिया याहुर, उष्माण मतलब श श स तथा ह अक्षर, ये जो हिंदी में अल्फाबेट्स होते हैं ना उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं, इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां आहु कहलाते हैं, अंतस्था य र ल तथा व ये अंतस्थ अक्षर हैं, बलम यानी शक्ति, आत्मनः यानी उसका, स्वरा सप्त विहारेण, स्वरा अर्थात संगीत, सप्त मतलब सात, विहारेण अर्थात इंद्रिय कलाप के द्वारा, भवन्ति स्म अर्थात प्रकट हुए, कहाँ से, प्रजापते जीवों के स्वामी का, अनुवाद ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां उष्मा अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में, और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के स्वरूप में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते संस्कृत में 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। स्वर हैं अ आ इ ई उ उ ऋ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ, एवं व्यंजन हैं क ख घ घ आदि। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं, 4 अतस्थ भी हैं, और उष्मों में से 3 श श स तालव्य मूर्धन्य तथा दंत्य कहलाते हैं। संगीत के स्वर हैं स रे ग म प ध नी, ये ध्वनियाँ मूलतः शब्द ब्रह्मा अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती हैं। अतीव यह कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि शब्द ब्रह्म के अवतार के रूप में महाकल्प में हुई। वे शब्द ब्रह्म हैं, अतीव वैदिक वाङ्मय की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में है। यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, अंततोगत कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। इसलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या श्रम या भ्रम कहलाता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यह श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है वो शब्द ब्रह्म का अवतार है, मतलब जो वास्तविक शब्द है। अब देखो ये जो ब्रह्मा जी के अंदर से शब्दों का अवतार हुआ है, ये पूरी संसार जो है उसी शब्द ब्रह्म पर टिकी हुई है,
वस्तुओं के नाम इन्हीं अक्षरों से आते हैं। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बात ये बताते हैं कि जो वेद हैं, अब मतलब वेद ब्रह्म है, और वेदों का उच्चारण कैसे होना चाहिए, जैसे वो लिखा हुआ एज इट इज होना चाहिए। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे हैं। वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हमें लगता है कि ये भौतिक अक्षर हैं। इवन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो श्लो वेदों के जो मंत्र हैं उनको एज इट इज पढ़ लो, बस उसके अंदर बहुत पावर है। इसलिए हमको श्री प्रभुपाद जी ने सिखाया कि जो गीता के श्लोक हैं, जो भागवतम के श्लोक हैं, उनको एज इट इज पढ़ना चाहिए। इनके अंदर शक्ति है, और ये शब्द ब्रह्म है, इनके अंदर पावर है, इसलिए हमको इनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे तो यहाँ तक बता दिया श्री प्रभुपाद जी ने कि इस भौतिक जगत में भौतिक कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम तो आध्यात्मिक जगत से होता है। तो ये भौतिक जगत अर्थों में, उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है। तो भ्रम भी वहाँ से आया है ना, लेकिन ये भ्रम जो है वो हमको भगवत धाम से या जो आध्यात्मिक जगत है उससे दूर करने वाला है। इसलिए इस भौतिक जगत को मिथ्या कहा, मिथ्या या फिर उसका छाया कहा जाता है कि वो उसी का रिफ्लेक्शन है। इसलिए भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस भौतिक जगत को एक उल्टा वृक्ष कहते हैं। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने एक तो बात बहुत सुंदर बताई है कि जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। जब आप स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, स्वरूप मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को जान लाते हो कि मैं आत्मा हूँ, फिर भौतिक वस्तुओं का अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि ये भौतिक वस्तु और व्यक्ति तो शरीर से रिलेटेड हैं, आत्मा का संबंध तो केवल भगवान के साथ है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मना परा ब्रह्माव भाति वीततो नाना शक्त्युपभ्रीहिता। शब्द ब्रह्मा अर्थात दिव्य दुनि, आत्मानः अर्थात परमेश्वर कृष्ण, तस्य उसका व्यक्ता व्यक्तम व्यक्तात्मना परा, व्यक्तमना प्रकट, अव्यक्तात्मना अव्यक्त का परा दिव्य ब्रह्म यानी परम अभवा अवभाति अर्थात पूर्णतया प्रकट, वीततो वितरित करते हुए नाना शक्तियों, नाना मतलब विविध प्रकार की शक्तियां, उपब्रीहित अर्थात से युक्त। अनुवाद, ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप है। मतलब ये ब्रह्मा जी जो है, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म का अवतार दे रहे, दिव्य ध्वनि, तो ये भगवान का साकार स्वरूप है, अतः वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण स्वरूप है और नाना विधि शक्तियों से समन्वित है। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद है। यह ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त जीव नहीं मिलता है तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है। भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है।
इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं। उनसे ही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी, ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का एक अभिप्राय है और उन्हें सामान्य जीव की तरह गृहित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्रह्मा जी के विशेषता विषय में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी वो जीव हैं जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संसार में पूरे ब्रह्मांड का सृजन भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने किया। प्रत्येक जीव के प्रत्येक मनोवृत्ति का, प्रत्येक वर्णाश्रमों का, स्वर का, ध्वनि का, यज्ञ का और संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का उन्होंने सृजन किया है, तो वो कोई साधारण जीव नहीं है। और ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के पद तक पहुंचने के लिए 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का पद कोई साधारण नहीं है, इसलिए हमें ब्रह्मा जी का सदैव आदर करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया भी है तो हमें यही सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा किया। जैसे माता पिता कभी कभी बच्चे को दिखाते हैं कि भाई ये गलत कार्य, बच्चा नहीं समझता, तो वो उनको दिखाते किसी तरह से कि देखो ऐसा अगर हम भी करते तो कितना अपराध होता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे अगर छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डालने की इच्छा करे और माता पिता उसे रोकते हैं तो वो नहीं रुकता है, तो फिर वो डाल के दिखाते, देखो मुझे भी दुख रहा है ना, हाँ दुख रहा है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भी हम जैसे अपतित लोगों की मानसिकता को जानते हैं कि वो कितनी अपवित्र है, तो वो हमें बता रहे हैं कि काम इतना खतरनाक है कि वो किसी भी स्थिति में जीव को बहका सकता है, इसलिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी की अवस्था को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनका सदैव आदर करना चाहिए। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ततो पराम उपादाय स सर्गाय मनो ददे, ततो अर्थात तत्पश्चात, उपराम अर्थात अन्य, उपादाय स्वीकार करके, स सर्गाय समनव सर्गाय मतलब सृष्टि विषयक, मनो ददे मन अर्थात मन, ददे अर्थात ध्यान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लगे रहे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, उनके हृदय में गलत भाव आया तो उन्होंने अपने उस शरीर को त्याग कर दिया और फिर दूसरा शरीर धारण करके इस सृष्टि का कार्य किया। मतलब ये जो सृष्टि का कार्य हुआ है वो ब्रह्मा जी के उस शरीर के द्वारा भी नहीं हुआ जिसमें वो गलत विचार उन्होंने किए थे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते, ब्रह्मा जी का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी, अतएव यौन से संबंध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्व शरीर कुहरे में बदल गया जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। तो उसके विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने वो वाला पुराना जो शरीर है वो अंधकार अथवा अज्ञानता में प्रतीत हो गया, और जहाँ अज्ञानता है वहाँ पर मोह है, और जहाँ ज्ञान है
वही प्रकाश है। और ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान की कृपा। जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो भगवान कहते हैं उनके हृदय में ही ज्ञान का प्रज्वलित दीपक जलाकर अज्ञान के अंधकार से दूर करता हूँ। इसलिए जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं उनके हृदय में मोह और ये यौन संबंध की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं ऋषीणां भूरी वीर्याणां अपि सर्गं अविस्तृतं ज्ञात्वा तद् दृढये भू यश्चिन्ता यामास कौरव। ऋषीणां अर्थात ऋषियों का, भूरी वीर्याणां अर्थात अत्यधिक पराक्रम से, अपि के बावजूद, सर्गम विस्तृतम, सर्गम अर्थात सृष्टि, विस्तृतम का मतलब होता है विस्तृत नहीं, अविस्तृतम मतलब विस्तृत नहीं, ज्ञात्वा तद् हृदय, ज्ञात्वा मतलब जानकर, तद् हृदय हृदय में, भूय पुनः, चिंतयामास अर्थात विचार करने लगा कौरव, हे कुरुपुत्र। अनुवाद, हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह से बढ़ाई जाए। अब इतने सारे वीर्यवान ऋषि उन्होंने बनाए लेकिन फिर भी जनसंख्या मतलब समाज, ये पॉपुलेशन तो बढ़ ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार किया कि अब जनसंख्या को बढ़ाने का कोई तो उपाय होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं आहो उद्भुतमे तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न हेदन्ते प्रजानूनं दैवं अत्र विघात किम्। अहो अद्भुतम्, हाय अद्भुत अर्थात अद्भुत है, एतत् यः मे मेरे लिए क्या अद्भुत है, व्यापृतस्य अपि नित्य, व्यापृतस्य अर्थात व्यस्त होते हुए, अपि नित्यदा सदैव, मैं तो सारा समय व्यस्त रहता हूँ, न हेदंते, न मन नहीं, हेदंते निश्चय ही, एदंते का मतलब है उत्पन्न करते हैं प्रजा जीव, नूनम देवम अत्र, नूनम मतलब किंतु, देवम अर्थात भाग्य, अत्र यहाँ, विघातकम अर्थात वृद्धि पूर्वक। ब्रह्मा ने अपने आप में सोचा हाय यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब ब्रह्मा जी परेशान हो रहे कि इतने सारे जीव हैं, सबको उत्पन्न करना है और उत्पत्ति के प्रति कोई विकास हो ही नहीं रहा है, तो ये दुर्भाग्य मेरे भाग्य के कारण हो रहा है, मतलब ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा वो सोचने लगे, अपने आप में सोच रहे थे। एवं युक्त कृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपं अभूदत्वे धायक्तयत्कायमा अभिचक्षते। एवं युक्त, एवं मतलब इस प्रकार, युक्त अर्थात सोचकर, कृत ऐसा करते हुए, तस्य उसका, देवं
चावेक्षतत्तदा देवम् अर्थात् दैवी शक्ति च भी आवेक्षतः देखते हुए तदा उस समय कस्य रूपम् अबोधत् कस्य अर्थात् ब्रह्मांड रूपम् अर्थात् रूप अभूत अर्थात प्रकट हो गया द्वेधा अर्थात दोहरा यत कायम अभिचक्षते यत मतलब जो कायम अर्थात उसका शरीर अभिचक्षते का मतलब कहा जाता है। जब वे इस तरह से विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात है। तो जैसे सोच रहे थे कि कैसे संसार का विकास होगा, कैसे सृष्टि बढ़ेगी, तो सोच रहे थे, वो भगवान के बारे में सोच रहे थे कि मेरा भाग्य कैसा, मैं नित्यदा तो व्यस्त रहता हूँ फिर भी तो कार्य सही हो नहीं रहा है। तो दो स्वरूप प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते ब्रह्मा जी के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए, एक के मूछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल थे। कोई भी उनके प्राकट्य के स्त्रोत्र को नहीं बतला सकता, इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती कि वो तो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। तो पुत्र और पुत्री का कोई पुत्र और पुत्री तब बनते हैं जबकि उसके साथ विवाह हो किसी का और उनके वीर्य से उत्पन्न होते हैं तो वो पुत्र और पुत्री बनते हैं। लेकिन ये तो क्या बने, ये तो ब्रह्मा का ही शरीर है। ब्रह्मा के शरीर से कोई ऐसे देखो पुत्र और पुत्री तो भाई बहन हो जाते हैं ना, फिर उनका विवाह नहीं होता। लेकिन ये संतान नहीं है, ये ब्रह्मा जी, क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी को प्रकट करनी है तो ये भी ब्रह्मा जी के अंदर से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्मा जी का शरीर कहा गया। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यतः ताभ्याम रूप, ताभ्याम मतलब उनके रूप अर्थात रूप, विभाग विभागाभ्याम अर्थात इस तरह विभक्त होकर मिथुनम अर्थात यौन संबंध समपद्यतः ठीक से संपन्न किया। ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से युक्त हो गए, अर्थात उन दोनों का विवाह होकर यौन संबंध से वो जुड़ गए। आगे कहते हैं यस्तु तत्र पुमांसो भू मनु स्वायंभुवस्वरा स्त्रियासी चतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मना यस्तु तत्र यस मना जो तू मना लेकिन तत्र मना वाहन पुमान कहते हैं नर पुमान अर्थात नर स व अभूत अर्थात बना क्या बना मनु बना यानी मनुष्य जाति के पिता स्वयंभुवा अर्थात स्वयंभुवा नाम से स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र स्त्री जो स्त्री थी यानी नारी थी या मन जो आसीत थी वो कौन थी शतरूपाख्या शतरूपा उनका नाम आख्या मतलब नाम महिषस्य अर्थात रानी अस्य उसकी महात्मना हे महात्मा मैत्रेय मुनि ऋषि विदुर जी को समझा रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि पर्याप्त मात्रा में नहीं उत्पन्न हो रही थी
और उन्होंने भगवान की ओर देखकर कहा कि ये किस तरह से भाग्य है मेरा, मैं सारा समय तो व्यस्त रहता हूँ फिर भी सृजन का कार्य तो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। तो भगवान ने उनकी जैसे ही ये इच्छा को देखा कि वो सृजन करने में कितना कार्य करना चाहते, तो उनके ही शरीर से एक नारी और एक नर को उत्पन्न किया, जिसमें से उस नर का नाम था स्वयंभू और उसकी नारी का नाम था सत्रुपा। अनुवाद देखिए, उनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाया और रानी शत्रुपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। आगे विदुर जी कहते हैं, तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ही दाम्ब भूरिवा दाम्ब भूविरे। तदा मिथुन, तदा मतलब उस समय, मिथुन अर्थात यौन जीवन, धर्मेण विधि विधानों के अनुसार, प्रजा अर्थात संताने ही निश्चय, एधाम यानी बड़ी हुई, बभू विरे अर्थात घटित हुई। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। अब जब मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हो गई तो फिर किस तरह से संसार जो है वो उत्पन्न हुआ, उसके विषय में बताया जाएगा कि एक एक करके सारी पीढ़ियां की वृद्धि हुई। मैत्री मुनि कहते हैं, सचापि शतरूपायां पंचापत्यान न्यजीजनात् प्रियव्रतोत्तन तानपादौ तिस्त्रह कन्याश्च भारत आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिर इति सत्तमा। सचापि शतरूपायां समनवा यानी मनु चमन भी अपि कालांतर में जब उनका विवाह हो गया और धार्मिक यौन जीवन उन्होंने संबंध स्टार्ट किया, तो कालांतर में शतरूपायां शतरूपा में पंच मतलब पांच अपत यानी अर्थात संतानें, उन दोनों की अर्थात मनु और शत्रुपा की पांच संतानें हुई। ठीक है, कौन कौन सी? या अजीजनत यानी उत्पन्न किया, प्रियव्रत उत्तानपाद, प्रियव्रत यानी उनका पुत्र, दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तिस्त्र अर्थात तीन कन्याएं अर्थात कन्याएं, दो पुत्र और तीन कन्याएं, च भी भारत हे भारत, भारत के पुत्र, और कन्याओं के नाम कौन से हैं? आकुति देवहूतिश्च आकुति देहूति च प्रसूतिर इति सत्तम। प्रसूति आकुति देहूति प्रसूति तीन कन्याएं हैं, और उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज ये दो उनके पुत्र हुए। सत्तम अर्थात विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे भरत पुत्र, समय आने पर उसने यानी मनु ने शत्रुपा से पांच संतानें उत्पन्न की, दो पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं तीन कन्याएं आकुति देवहूति तथा प्रसूति। उसके उपरांत बताते हैं, आकुतिम रुचये पादात् कर्दमाय तुमाध्यमा दक्षाया दात् प्रसूतिम च यत आपूरितिम जगत। अब बता रहे कि जो ऋषि थे ना, उनके साथ उन्होंने
अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। कैसे? आकुतिम रुचय प्रादात, आकुतिम यदि आकुति नाम की कन्या रुचय अर्थात रुचि मुनि को प्रदात यानी प्रदान किया। कर्दमाया यानी कर्दम मुनि को तू, लेकिन मध्यमाय यानी बीच की, कर्दम मुनि के जो सेंटर की उनकी तीन पुत्रियां थी ना, आकुति और देवहूति, जो बीच की थी देवहूति वो कर्दम मुनि को दी। और दक्षायादात, दक्षाय अर्थात दक्ष को आदात मतलब प्रदान किया। किसको? प्रसूति, जो सबसे छोटी थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति से। च यत आपूरितम जगत, यत मन जिससे आपूरितम मतलब पूर्ण है जगत अर्थात सारा संसार। अनुवाद, पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मंजली पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं, जिनसे मनु स्वयंभुव उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पन्न हुए, उनसे दो पुत्र तथा तीन पुत्रियां उत्पन्न हुई और उन सबों से आज तक विभिन्न लोकों की जनसंख्या उत्पन्न हुई। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं और ब्रह्मा जी के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 11.39 में इस प्रकार हुई है। वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयो पिनमो नमस्ते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं वायु यमो अग्निर वरुण शशांक, आप वायु के स्वामी परम न्यासी यम अग्नि तथा वर्षा के भी स्वामी हैं। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, आप चंद्रमा तथा आप पर पितामह हैं। नमो नमस्ते सुसहस्कृत, अतएव मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरह से जो कुछ भी संसार में प्रकट हुआ वो ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से प्रकट किया। यानी पहले ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और इस तरह से पूरे संसार की किस तरह से सृष्टि हुई और किस तरह से मनु महाराज और शत्रुपा का विवाह हुआ, उनसे मानवों की सृष्टि हुई, उसके विषय में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का जिसका शीर्षक कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि है वो समाप्त होता है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सब इतना प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं भागवतम में जो हमारी छोटी सी बुद्धि नहीं समझ पाती, लेकिन ये शब्द, इन शब्दों के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये शब्द हमारे जीवन का कल्याण करेंगे। श्रीमद् भागवतम वो शास्त्र है जिसके पढ़ने का हर किसी को अवसर नहीं मिलता और हम तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना है कि इस जीवन में अवश्य हमारे इस भागवतम को संपूर्ण रीति से पढ़ने का हमें आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। तो यहाँ तक तीसरे अध्याय के 12
बारह तीसरे स्कंद के 12 अध्याय समाप्त हो गए हैं और अब से तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की प्रकट होने वाली हैं। अब भगवान का वराह अवतार प्रकट होगा तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रार्थना करना बंद मत कीजिएगा ताकि हम इस कार्यक्रम को जीवन भर श्रवण के माध्यम से भगवान की कृपा को प्राप्त करते रहें। हरे कृष्ण।